नमस्कार किसान साथी, मैं वीरेंद्र सिंह कुशवाहा आपका फार्मर जर्नलिस्ट कृषि जागरण के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि आज हम चित्रकूट जिले के खराउल गांव में हैं, जहां पर हमारे साथ तो किसान छवि लाल जी हैं और इनसे जो पीछे आप हमारे तस्वीर दिख रहे हैं कि यहां पर गन्ने यानी ईख, इसका कई नाम है, गन्ने हैं, ईख है, शुगर केन है, कई नामों से जाना जाता है, लेकिन चित्रकूट में इसकी जो लैंग्वेज है वो है गन्ना और गन्ने के नाम से इसको लोग जानते हैं। और यहाँ पर आप जो देखेंगे तस्वीर, ये लाल गन्ना है और इसमें क्योंकि शर्करा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अभी हम किसान साथी से जानेंगे कि इसकी खेती कैसे करते हैं और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे साथ किसान छवि लाल जी मौजूद हैं, उनसे अभी जानकारी लेंगे। तो किसान साथी, अब हम छवि लाल से भी जानेंगे कि किस तरह से खेती करते हैं और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छवि लाल जी नमस्कार। नमस्कार। जो आप ये गन्ने की खेती करते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं? इसमें पहले इसकी जुताई करते हैं जी, इसके बाद जो है इसमें खाद डालते हैं जी जी बिल्कुल। खाद डालने के बाद इसका इतना बड़ा टुकड़ा करके और जो है दवा लगा के केमिकल, इसको कौन सा केमिकल लगाते हैं? मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये पूरी जानकारी दें कि जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देखेंगे तो इससे कुछ सीख मिले। इसमें एक दीमक की दवा आती है जी जी, तो उसको लगाते हैं, नहीं मीठापन के कारण इसको दीमक पूरा खा लेता है। उसको जैसे दीमक की दवा में घोर के और गन्ना लगा के ऊपर से इसमें एक DAP और यूरिया डालते हैं जी। तो ये इसके बाद इसको ढक देते हैं, इसके बाद जो है ये पड़ा रहता है, तो इसके बाद मान लीजिए 15 दिन बाद पानी देते हैं जी। पानी देने के बाद ये करीब एक महीने के अंतर्गत इतने बड़े बड़े उगाता है। जब ये उगाता है तो इसमें फिर छाला चढ़ाते हैं, ठीक है, अर्थिंग करते हैं, हाँ मिट्टी इसमें चढ़ाते हैं बिल्कुल। इसके बाद फिर इसमें खाद डालते हैं जी। और सबसे ज़्यादा समस्या तो यहाँ आवारा पशुओं की है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और क्या समस्याएं सामने आती हैं? जैसे अभी क्या समस्याएं इसमें, मतलब इसमें जो है एक तो चूहा बहुत लगता है। अच्छा। और कई तरह के कीड़े लगते हैं जी, ये समस्या। और दीमक की भी समस्या है। सबसे बड़ी जो बीमारी बताई जा रही है वो रेड राट होती है, यानी पूरे गन्ने का जो अंदर फाड़ा जाता है उसको पूरा रेड कलर से निकल जाता है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। क्या इन जो आपके यहाँ जो गन्ना लगा है क्या इसमें भी देखने को मिलता है? हाँ, कभी कभी कुछ गन्नों में आता है, कुछ गन्नों में आता है। ये एक फंगस बीमारी होती है, जिसी तरह अगर एक पौधे में हो गया तो पूरे पौधे में फैल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? अब यही है, मतलब जैसे अभी ये उगाया तो इसको बेचने का यहाँ कोई और उस तरह का सिस्टम नहीं है, कोई मिलो लाए नहीं। अच्छा, जब ये उत्पादन हो जाता है तो इसको आप कहाँ? उत्पादन हो जाता है कहीं मेला ठेला ले गए तो मान लीजिए 10 रुपये कभी का, यहाँ 500-600 रुपये कटाई दे दिया, 1000-1500 रुपये ट्रैक्टर का भाड़ा दे दिया, तो वही फिर कुछ नहीं बचता। तो जैसा कि अभी सभी आप सभी किसान साथी देख सकते हैं कि हमारे साथ जो छवि लाल जी थे और अभी छवि लाल जी से हमने कई शुगर के बारे में, इस जो गन्ना की खेती है इसके बारे में जानकारी ली है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि स्टार्टिंग फेज पर हम खेत की जुताई करते हैं और खेत की जुताई के समय ही उसमें थाला बनाकर यानी रो बना करके उस पर हम इसकी रोपिंग कर देते हैं, और रोपिंग करने के बाद इसमें जो इसका प्राउट्स निकलता है यानी इसके जो वृक्ष निकलता है उसकी देखरेख भी हम सुगमतापूर्वक करते हैं, तो इसकी खेती अच्छी तरह से होती है। दूसरी बात कि आज हम जो इस गन्ने को आप देखेंगे, ये जो गन्ना है ये कोयम्बटूर एक वैरायटी है जो रेड कलर की होती है। इसको यहाँ देहात में हाथी झूल भी बोलते हैं जी, इसको देहात में यहाँ हाथी झूल के नाम, इसको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में इस वैरायटी को हाथी झूल भी बोलते हैं, और ये रेड कलर का होता है। सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये रेड राट वैरायटी से रेसिस्टेंट होता है, यानी इसमें जो लाल रोग लगता है जो सबसे खतरनाक बीमारी होती है गन्ने की, उससे ये फ्री होता है, इसलिए किसानों का उत्पादन अच्छा होता है। लेकिन उत्पादन के साथ इनको मार्केट अच्छा न मिलने की वजह से इसका रेट बहुत आयत से नहीं मिल पाता है। धन्यवाद।